खरगोन शहर के रहवासी क्षेत्रों में संचालित हो रही बेकरियों पर प्रशासनिक कार्यवाही जारी है। एनजीटी और प्रशासनिक जांच के बीच विद्युत विभाग ने 13 बेकरियों के विद्युत कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे बेकरियां बंद होने की कगार पर आ गई है। सोमवार को इन बेकरियों के संचालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम ओम नारायण सिंह से मुलाकात कर बेकरियां बंद होने से सैकड़ों लोगों के रोजगार खोने का हवाला देते हुए विद्युत कनेक्शन जुड़वाने की मांग की। बेकरी संचालक असद खान, फिरोज खान, जुनैद, असलम खान, अमजद खान आदि ने नाराजगी दर्ज कराते हुए कहा कि एक ओर जहां केंद्र और प्रदेश सरकार उद्योगों व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन क्षेत्रीय व्यापार व्यवसाय को कानूनी उलझनों में अटकाकर बंद करने को मजबूर कर रहा है। संचालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेकरियों के समकक्ष होटल, डेयरी, नमकीन जैसे व्यवसाय चल रहे हैं, उन्हें कोई जांच के दायरे में नहीं ले रहा। इसके बाद भी हम जो भी नियम कानून बने हैं उसके पालन को तैयार हैं। संचालकों ने बताया, बेकरियों से सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है और हमारे भी परिवार का भरण पोषण हो रहा है। एसडीएम ने संचालकों की समस्या सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि एनजीटी के निर्देश पर कार्यवाही चल रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बेकरी व्यवसाय जो लाइट काट दी प्रदूषण बोर्ड ने विद्युत मंडल को कहा, विद्युत मंडल ने इनकी लाइनें काट दी है और इनकी ये मांग है कि भाई हमारे साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए। हम लोग जो है कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, पहली बार प्रदूषण बोर्ड ने हमको नोटिस दिया खरगोन में, वो लाइट काट दी। कुछ लोगों ने आवेदन भी किए हैं लेकिन उनको भी अभी तक परमिशन भी नहीं जारी करी है। वो हमारी ये मांग है कि प्रदूषण विभाग नियमानुसार ये लोग व्यापार करना चाहते हैं, वो बाकायदा आवेदन हमारे ले और आवेदन लेके जो है मतलब कि बाकायदा कैंप लगा ले। 50 बेकरियां अगर बेरोजगार होंगे तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो यहाँ कैंप लगा ले, हमसे आवेदन भरवा ले, आवेदन भरा के जो नियमानुसार कार्रवाई करें हम करने को तैयार हैं। और अगर वो बाहर भेजने को तैयार हैं तो माननीय महोदय से हमारी चर्चा हुई है, बाहर अगर हमको ज़मीन मिल जाएगी तो हम उसमें भी सेवा। लेकिन अचानक व्यापारों को बंद करके लोगों को बेरोजगार करने न किया जाए, बस इतनी मांग है हमारी। हम सब नियम फॉलो करने के लिए बेकरी व्यवसायी लोग तैयार हैं। क्या नाम है? और बेकरी व्यवसाय के विद्युत कनेक्शन तत्काल जोड़े ताकि लोग बेरोजगार नहीं हों। जाके खाने ये बेकरी होगी, पिछले 50 वर्षों से बेकरी उद्योग का संचालन हो रहा है जिसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और अचानक प्रदूषण विभाग हमारी विद्युत कनेक्शन कट करवा देता है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और हमसे डिमांड करते कि रोजगार दें। और सरकार रोजगार के ऊपर फोकस कर रही है प्रदेश के अंदर और प्रदूषण विभाग बेरोजगार कर रहा है। अभी साहब से मिले क्या, आश्वासन मिला? साहब ने बोला है कि हम प्रयास करते हैं और पूरे देश और प्रदेश के अंदर बेकरी व्यवसाय शहर के अंदर ही होता है और होता आ रहा है और हमारी अचानक लाइट कट कर दी गई और पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ खरगोन में ही हुई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम असद खान है। उद्योग से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने शांतिपूर्वक एक अभी ज्ञापन दिया, आवेदन दिया है कि हमारी कुछ बेकरी के जो एनजीटी के आदेश के अनुसार उनको बंद करने का आदेश था और वो विधि पूर्वक क्या बोलते हैं एमपीवी ने उनके विद्युत कनेक्शन कुछ लीगल कारणों से अलग कर दिए थे। तो उनका यही मांग थी कि जो विद्युत कनेक्शन है इनको अलग ना किया जाए और हमको बेकरी संचालित हो ताकि हमारे यहाँ जो रोजगार उनको दिक्कत ना हो। ये लिया है, जो भी विधि अनुसार इसमें हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या लीगल हम उनकी सहायता कर सकते हैं और शासन को उनके ज्ञापन भेजेंगे और विधि के अनुसार इसका निराकरण किया जाएगा। पर्यावरण बोर्ड ने पहले भी इसमें नोटिस जारी करा था, उसमें कुछ कार्रवाई का? हाँ क्यों नहीं, पर्यावरण का अगर नोटिस है तो उसकी विधि प्रक्रिया है, उस विधि प्रक्रिया का पालन करके वो करेंगे इसका कार्रवाई जो भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।